गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 27, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए आज भाई दूज कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल भाई दूज मना लिया था, तो अगर जो लोग आज मना रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो भाई दूज की। फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए। दिवाली अब ओवर हो चुकी है तो मेरे ख्याल से फेस्टिवल के हैंगओवर से भी अभी हमें जल्दी ही उभर जाना चाहिए। छठ पूजा भी अगर कुछ लोग करते हैं तो वो भी कुछ दिन में पूरी हो जाएगी, तो दोबारा से बैठिए, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करिए और दोबारा से प्रोसेस के अंदर लग जाइए। क्योंकि यूपीएससी दोस्तों, आपको मैं पहले ही बोल चुका, वो कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, वो इन्फॉर्मेशन का एग्जाम नहीं है। कंसिस्टेंट रहोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बहुत ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक नहीं है, बहुत जबरदस्त, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक अच्छे हैं। जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है, रिपीटेड चाहे बेशक हो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है सवाल यहाँ से। नेविक के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, मुल्लार पेरियार डैम, हम लोगों ने इसके पहले इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में। उसके अलावा जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ईवी बैटरी में कुछ इश्यूज यहाँ पे आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एक एडिटोरियल भी है यहाँ पे पसमांदा मुस्लिम्स के बारे में। पहले पसमांदा मुस्लिम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी होने वाले हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाला टॉपिक है ये थोड़ा हम लोग अलग रूट से करेंगे। देखिए हमें पता ही गया है रशिया यूक्रेन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये 8-10 महीने से लगातार 8 महीने हो गए भैया इस लड़ाई को, और रशिया ने शुरुआत में जो गेन किए थे वो कुछ गेन उनके लॉस हो गए हैं, मतलब कुछ टेरिटरी जो उन्होंने पहले जीत लिया था वो वापिस आ चुके हैं बैकफुट पे, क्योंकि यूक्रेन ने कई जगह पे उनको पीछे की तरफ पुश कर दिया है। तो उसकी वजह से रशिया ना थोड़ा सा अभी ये कहें कि अपनी उस हार को पचा नहीं पा रहा है, और बार बार रशिया और पुतिन ये धमकी दे रहे हैं वेस्ट को, नाटो को, यूक्रेन को, कि आप अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक करोगे और अगर हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंचता है तो हम भैया हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने से भी नहीं डरेंगे। ये बात उन्होंने साफ साफ बोल दी है। तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, अभी रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप अपनी कंट्री के अंदर डर्टी बॉम्ब्स बना रहे हो। डर्टी मतलब बॉम्ब ऐसे समझे जैसे केमिकल बॉम्ब्स की बात करते हैं हम लोग, या फिर बायोलॉजिकल बॉम्ब्स की बात करते हैं, उन्हें डर्टी बॉम्ब्स कहते हैं। तो ये आरोप रशिया ने लगाया है, हालांकि इसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसको पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया है, इस पूरी चीज को, आरोप को। बट हुआ ये कि जो मिस्टर पुतिन भाई साहब हैं उन्होंने रशिया के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह हैं उनको बेसिकली विजिट किया है और उनकी ड्रिल वगैरह को भी चेक किया है कि बाई चांस अगर जरूरत पड़े न्यूक्लियर वेपन का यूज करने की तो एकदम से हम लोग कर सकते हैं। अब देखें न्यूक्लियर वेपन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि आपने वैसे नॉर्मल बॉम्ब डाल दिया हो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। न्यूक्लियर वेपन का यूज करते ही आप ये समझ लीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस एकदम 99.9% हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी चीज का यूज करने से पहले रशिया जो पुतिन है वो कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो उन्होंने कई लोगों को फोन किया है। तो उसी कड़ी में उन्होंने चाइना के लीडर को फोन किया, इंडिया वालों को भी फोन किया, जापान वालों को भी फोन किया, तो हमारे राजनाथ सिंह जी को भी उन्होंने फोन किया, डिफेंस मिनिस्टर हैं भैया हमारे, कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके बात है, यूक्रेन ये सब कर रहा है, तो अगर हम लोग न्यूक्लियर बम का यूज करेंगे तो क्या आप हमारा साथ दोगे। बस ये कुछ भी और बात कही होगी, ऑफकोर्स ऐसे तो नहीं कहते हैं डिप्लोमेटिक बातें, बट या तो उन्होंने इनसे बात किया। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नो साइड शुड रिजोर्ट टू न्यूक्लियर ऑप्शंस, राजनाथ ने उनको कहा है शोगो को, समझ गया। तो इंडिया ने उनको सीधा सीधा कह दिया कि भैया देखिए पहले भी मोदी जी ने उनको कहा था कि ये जो जमाना है दिस एरा इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर, राइट। तो वैसे भी हम लोग बहुत खुश नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर से ऑफ कोर्स, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन वगैरह इतना हो गया है, जो सप्लाई चेन वगैरह दिक्कतें हो रही हैं, तो न्यूक्लियर वेपन का तो हम लोग कतई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सीधी सीधी सी बात है। चाहे हमें रशिया के अगेंस्ट भी क्यों ना जाना पड़े, न्यूक्लियर वेपन का सपोर्ट इंडिया कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी खुद एक पॉलिसी है जिसे हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। तो ये ऐसा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में क्या सोचता है, हमारी पॉलिसी क्या है, वो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए जब शुरुआत बहुत पहले हो गई थी इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, और देखिए होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, ये जो है इंडिया के भैया न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड हुआ करते थे, इन्होंने शुरुआत भी की, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। बाद में अनफॉर्चुनेटली एक प्लेन क्रैश के अंदर इनकी डेथ हो गई, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा। तो 1940s में ही एक्चुअली शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने, फिर आज़ादी के बाद वो प्रोसेस थोड़ा सा तेज हुआ, और ऐसा माना जाता है कि अगर 2-4 साल अगर और जिंदा रहते बाबा जी जहांगीर जी तो इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत पहले बना चुका होता। बट हुआ ये कि 1964 में क्या हुआ,
1964 में जितनी भी परमानेंट मेंबर कंट्रीज थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, इन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 1968 में क्या हुआ, चाइना एक लास्ट कंट्री था जिसने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था। चाइना ने जब 1968 में न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया तो ये जो पांचों कंट्री थी इन्होंने कहा कि बस एनफ इज एनफ, अभी कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती, सिर्फ हम ही अपने पास रखेंगे। ये तो बड़ी खराब बात हुई ना यार। तो हुआ ये कि 1968 में जब चाइना ने अपना फाइनली न्यूक्लियर वेपन वगैरह उस टाइम टेस्ट किया 60s में, तो उन्होंने एक एनपीटी बना दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी में यह कहा गया कि इन पांच कंट्री के अलावा कोई और कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और ये पांचों कंट्री इस टेक्नोलॉजी को किसी और कंट्री को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब हम लोग चौधरी हैं और हम लोग आगे भी चौधरी रहेंगे, ये बेसिकली इन्होंने यहां पे कहा। बट इंडिया तो मानने वाला नहीं था भैया, एक तरफ हमारे पाकिस्तान था, एक तरफ हमारे पास चाइना था, तो इंडिया का प्रोग्राम चलता रहा धीरे 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 करके, और 64 के अंदर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया राजस्थान के पोखरण में। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि उसका नाम क्या था जो हम लोगों ने टेस्ट यहाँ पे किया था। तो भैया सारी दुनिया हिल गई जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, बड़े ये क्या हो गया। अब सोच के देखें वो 1970s की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में हुआ करता था, राइट। भैया खाने तक अनाज हमारे पास नहीं था, अमेरिका से मंगवाते थे, फिर बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें हमारी हेल्प हुई, बट एनीवेज उस समय भी इंडिया की हालत काफी खराब हुआ करती थी और हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो भैया पूरी दुनिया हिल गई। अब हिल गई अमेरिका भी हिल गया, उन्होंने क्या किया, इंडिया के रिएक्शन में 1974 में एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG। आपको बताता चलूं कि 1974 में इंडिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप के द्वारा, उनमें से कुछ सैंक्शंस तो इवन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ साल पहले ही कुछ सैंक्शंस को हटाया गया था जब अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन थोड़े इंप्रूव हुए थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हमारे लिए हमारी सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हम लोगों ने बनाया जिसमें ये कहा गया भैया ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो टेक्नोलॉजी है और जो यूरेनियम वगैरह है जो मटेरियल है वो हम लोग किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर, लेकिन वो इंडिया का प्रोग्राम चलता रहा। और 1998 में इंडिया ने पांच न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से कर दिए, वही उसी जगह पे किए जहां पे पहले किए थे पोखरण के अंदर राजस्थान में। अब इनका नाम क्या था वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दोनों का नाम बताइए, 1968 में क्या था वो भी और 74 में क्या था वो भी। तो भैया जब 98 में इंडिया ने किया तो झट से पाकिस्तान ने भी कर दिया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो पहले से आ ही गया था, वो सिर्फ इंडिया का वेट कर रहे थे कि उसके बहाने से हमें भी मौका मिल जाएगा टेस्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहाना हो गया ना कि भैया हमारे इंडिया के पास है तो हम भी रख सकते हैं, अदरवाइज तो वो लोग शायद नहीं करते। तो 98 में इंडिया ने अपना टेस्ट किया और हम लोग सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, और 1999 में हम लोगों ने फाइनली अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया और उसे कहा गया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, और चलते चलते 2003 के अंदर ऑफिशियली हम लोगों ने इसको अपनी ऑफिशियल पॉलिसी मान लिया, जिसे कहते हैं इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इस पॉलिसी के कुछ पॉइंट हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसके देखे 5-6 पॉइंट हैं, रट्टा मार लो क्या समझ लो, आपका अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि भैया ये जो हम देखो इंडिया का सीधी सी बात है, इंडिया पीसफुल कंट्री है भाई, है ना, हम लोग कोई भी वेपन बनाते हैं किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं बनाते हैं, हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए बनाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है चाइना है तो दोनों तरफ हमारे तो वॉर हो चुका है, दोनों तरफ दुश्मन ही है एक तरह से, तो हमें तो अपनी प्रोटेक्शन चाहिए ना यार, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इसको, हम लोगों ने बनाया। इस पॉलिसी को कहा गया क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। देखिए आपको बताता हूँ क्या होता है ये, जैसे मान के चलो जैसे मेरे कजन है और वही मेरा कजन वो दिन में ना जिम जाता है, 2-2 घंटे जिम लगा के आता है, एकदम बॉडी वॉडी बढ़िया बना रखे हैं, डोले छोले। मैंने कहा यार तो क्या करेगा, शरीफ आदमी है, तो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, ITN है, तो क्या करेगा इसका करके बॉडी वॉडी बना के कहाँ जाएगा। उसने कहा कि देख भाई ये मैंने बॉडी ना किसी को अटैक करने के लिए नहीं बनाई है, मैंने बॉडी इसलिए बनाई है ताकि कोई मेरे से पंगा ना ले, मेरे से दूर रहे, झगड़े वगड़े ना करे कोई। तो ये क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। तो ऐसे ही इंडिया का न्यूक्लियर वेपन बनाना भी हमारा डेटरेंस है, ताकि हमारे ऊपर अटैक करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचे कि भाई इसके पास न्यूक्लियर अटैक है, ये आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। बेसिकली इसे कहते हैं न्यूक्लियर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। ठीक है, उसके अलावा इंडिया ने कहा है कि भाई हम लोग किसी के ऊपर पहली बार अटैक नहीं करेंगे ऑफकोर्स, हाँ, लेकिन अगर इंडिया के ऊपर मेजर अटैक होता है
जैसे हमारे पास कोई कोई मेजर केमिकल अटैक हो गया, कोई बायोलॉजिकल अटैक किसी ने कर दिया हमारी फोर्सेस के ऊपर, हाँ तो हम लोग डेफिनेटली उस केस में जो है रिटेलिएशन करेंगे, ऐसा हाथ भी हाथ धर के नहीं बैठेंगे। इसे सेकंड स्ट्राइक कहा जाता है, मतलब एक बार आपने अटैक कर दिया हमारे ऊपर तो भैया एक थप्पड़ आपने मारा तो 50 थप्पड़ फिर हम भी मारने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय न्यूक्लियर ट्रायड ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। तो एयर से, वाटर से, लैंड से, कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन डाल सकते हैं हम आपके पास। ब्रह्मोस है भाई हमारे पास, ब्रह्मोस है ना, दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, पता भी नहीं चलेगा सेकंड्स के अंदर आएगी। तो ये है बेसिकली इंडिया की पूरी, इसको थोड़ा पढ़ सकते हो आप, ठीक है, एक दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक दो पॉइंट आप खुद से पढ़ सकते हो। तो ये पूरी पूरी पॉलिसी है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हो, क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए एनपीटी के अंदर जो है न्यूक्लियर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, सीधी सी बात है भाई, इंडिया क्यों ही मेंबर बनेगा, ठीक है। तो इंडिया मेंबर नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, इसराइल भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, ये कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया को बहुत रिक्वेस्ट किया जा चुका है बार बार कि आप इसका मेंबर बन जाइए, लेकिन अभी तक इंडिया मेंबर इसका नहीं बना है, क्योंकि इंडिया को ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अंडर एनपीटी। तो इंडिया ने कहा भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, सिर्फ 5 लोगों को अधिकार कैसे हो सकता है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन रखने का, हम भी रखेंगे, आप रखोगे तो, और हम तो पीसफुल माहौल के लिए रख रहे हैं ना, अटैक करने के लिए थोड़ी रख रहे हैं। चलिए, इसरो टू बूस्ट नेविक वाइडन यूजर बेस ऑफ लोकेशन सर्विस। देखिए नेविक के बारे में हम लोग बात पहले कर चुके हैं, अभी क्या ना हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं, ठीक है, और जीपीएस इंडिया का नहीं है, जीपीएस जो है अमेरिकन सिस्टम है, और ये लोकेशन सिस्टम आपको पता ही है, हम लोग कहीं पे जाते हैं मैप वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, आपकी लोकेशन को ये कर सकते हैं, उबर ओला हम लोग करते हैं, सब जीपीएस का यूज करते हैं। तो सिर्फ अमेरिका, हालांकि जीपीएस मोस्टली कंट्रीज में यूज होता है, लेकिन हर कंट्री ने अलग अलग भी अपना बना रखा है, जैसे यूरोप के अंदर उसका खुद का लोकल सिस्टम है जिसे गैलीलियो कहते हैं, लोकेशन सर्विस है, ऐसे ही रशिया का है अपना ग्लास नो करके है, ग्लोनास, ठीक है, ऐसे ही चाइना का भी है। तो चाइना वाले का नाम मेरे थोड़ा दिमाग से निकल गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चाइना वाले लोकेशन सर्विस का नाम क्या है। तो भाई उसी कंपटीशन में जो है आत्मनिर्भर होने के लिए और समझ लीजिए आप इंडिपेंडेंस होने के लिए इंडिया ने अपना भी सिस्टम लॉन्च किया हुआ जिसे कहते हैं नेविक, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर काफी समय से काम कर रहे थे और ये भी पूरी तरह से वर्किंग भी है। इसका मतलब होता है, नेविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी ऑर्बिट के अंदर कई सारे सैटेलाइट को अलाइन कर देते हैं उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये है पूरे बड़ा मामला नेविक के बारे में, आपको मैं पहले अच्छे खासा बता चुका हूं कि इंडिया की मेनलैंड में यूज हो सकता है और इंडिया के जो आसपास का 1500 किलोमीटर का एरिया ना वहां पे भी हम लोग नेविक का अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीपीएस से बेटर हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीपीएस से बेटर नहीं है। ऑफकोर्स एक तो जीपीएस में हम लोगों ने बहुत, जीपीएस है जो अमेरिका वाला है उसमें हम लोगों ने 30+ सैटेलाइट को डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेविक के अंदर हम लोगों ने अभी सिर्फ 7 और 8 सैटेलाइट्स को ही लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि देखिए सिर्फ इंडिया को कवर करना है, पूरी दुनिया को कवर थोड़ी करना है, तो 7-8 से हमारा काम चल जाता है। बट इसमें थोड़ी समस्या ये है कि अभी तक हम लोगों ने इसमें जो बैंड लगा रखे हैं वो है L5 और S बैंड, ठीक है, L5 और S बैंड। इनकी जो है ये जो लो कोड है, लो कोड मतलब अगर अपने मोबाइल फोन वगैरह किसके अंदर आप यूज करोगे तो बहुत क्लैरिटी आता नहीं है एक तरह से, ठीक है, और सिग्नल भी बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसरो क्या करने वाला है, अभी L5 को और S बैंड को L1 बैंड से रिप्लेस करने वाला है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस बैंड है, जिसकी वजह से जो सिग्नल की जो क्लैरिटी है और एक्यूरेसी है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब नेविक का लॉन्च तो कर दिया, अब नेविक जो है वो वर्किंग में भी है, लेकिन आप सबको पता है हम लोग नेविक का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल डिवाइस है ना वो नेविक को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज को फोर्स कर रही है कि 2023 के बाद इंडिया में जो भी मोबाइल फोन आएंगे वो नेविक कंपेटिबल होने चाहिए। हालांकि कंपनीज कह रही हैं कि भैया इसमें समय लगेगा, 2025 तक जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता 2025 तक लोग वेट करेंगे, सरकार वेट करेगी, जल्दी ही इसको सिस्टम को लॉन्च करने वाले हैं और इंडिया का खुद का भी एक सिस्टम होगा, बड़ा मजा आएगा। तो थोड़ा सा आपको नेविक के बारे में पता होना चाहिए, तो हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। हालांकि पुराना रिपीटेड सा कंटेंट है, यह स्लाइड्स भी पुरानी है, लेकिन सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से बार बार बता रहा हूँ, नेविक इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है और साइंस एंड टेक वाले टॉपिक में से बहुत बार सवाल इस तरह के चीजों से पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हो, कंटेंट मैंने आपके लिए पूरा डाल दिया यहाँ पे, 5-6 स्लाइड है, ठीक है, मजे से पढ़िए। और नेविक एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा बहुत आप वो भी पढ़ सकते हो, कौन कौन से एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए,
मौज करिए, अपनी एग्जाम के लिए तैयारी करिए। चलिए जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक डैम है, मुल्ला पेरियार इसका डैम का नाम है। बेसिकली ये कहना दो रिवर से मिलके बना है, मुल्ला रिवर है और पेरियार रिवर है। तो बात यह है कि इसके लिए जो है पैनल बनाया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी सेफ्टी वगैरह को चेक करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अभी वो उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट वगैरह दिया है, लेट सी वो कहां पर क्या बात होती है, सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या बोलता है। ये काफी पुराना मामला है, तो ये आर्टिकल से पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि क्या पूरा मामला था। बेसिकली है ना, ये जो मुल्लार पेरियार डैम है, ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है, और ये आज का डैम नहीं है, अभी अंग्रेजों ने बहुत साल पहले इसको बनाया था। 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 1880s की बात कर रहा हूँ। तो सोच के देखिए कितने साल हो गए हैं, 140 साल हो गए हैं, इतना पुराना डैम है, अंग्रेजों के जमाने का, अभी तक चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन दिक्कत बहुत है इसमें, कभी भी क्रैक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो थोड़ा सा लोकेशन एक आपको बता दीजिए मुल्लार पेरियार डैम के बारे में। पहले आपको बता चुका हूँ, दो रिवर के मिक्सर मिलन से ये बना है, जहाँ पे मिलती है रिवर, कन्फ्लुएंस होता है। एक रिवर का नाम है मुल्लार और दूसरे का नाम है पेरियार। तो यहाँ पे आप ये देखिए जो ब्लू कलर का भी इधर डॉट नजर आ रहा है, इधर मैप में साइड वाइज में देखिए, मुल्लार पेरियार डैम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इस डैम से हम लोगों ने एक छोटी सी कनाल निकाल रखी है। ठीक है, ये कनाल हम लोगों ने निकाल रखी है और यहाँ पे बना हुआ वेगई डैम, और तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों वेगई रिवर। तो इस कनाल से वाटर जाके वेगई रिवर में मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये लोकेशन यहाँ पे हो गई इसकी थोड़ा सा, और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ना, वहां पे इसका ओरिजिन होता है। इडुकी रिवर के, इडुकी जो डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वहां पे एक छोटा सा डैम यहाँ पे बना रखा है। थोड़ा सा आप वहां से आगे आओगे तो मुल्लार पेरियार डैम, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जाता है तमिलनाडु। हल्की सी कहानी आपके इसके बारे में बता देता हूँ। इस डैम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक है कि भाई ये जो डैम है ना वो केरला के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन इस डैम का जो ऑपरेशन है, जो मेंटेनेंस है, वो कौन करता है, तमिलनाडु की सरकार करती है। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब इसको बनाया गया था तो केरला के अंदर एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था इस पर्टिकुलर एरिया में, तमिलनाडु के अंदर एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप था। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो आपस में इंडियन राजाओं के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तमिलनाडु की सरकार इसको रेगुलेट करेगी और तमिलनाडु में एग्रीकल्चर के लिए वाटर यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो पूरी की पूरी कहानी है, काफी पुरानी, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर है पेरियार रिवर बेसिकली, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास से कहीं से निकलती है और एक मैसनरी डैम है। ठीक है, मतलब भैया पूरा कंस्ट्रक्शन करके ईंटों का उसको बना रखा है, केरला के अंदर है। कार्डिमम हिल्स जो होती हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी इसके ऊपर डैम बना हुआ है, पेरियार थैक्कडी रिजर्व उसको बोलते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1887 और 1895 के बीच में शुरू हुई थी, और ये जो मिस्टर मेजर जॉन पेनविक हैं, ठीक है, इनको इनकी कंस्ट्रक्शन का सारा सुपरविजन वगैरह का काम दिया गया था। ये तो अलग अलग चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन इसको ऑपरेट करता है क्या नहीं करता है। लेकिन इस पूरे डैम के चक्कर में क्या रहता है ना, केरला के बीच में और तमिलनाडु के बीच में काफी इश्यूज रहते हैं। केरला कहता है कि डैम बहुत वीक है, इसको तोड़ के हम लोग यहाँ पे नया डैम बनाएंगे, उसके लिए प्रपोजल भी आ चुका है। तमिलनाडु की सरकार कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डैम जो है इसको मेरे अंडर में है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हुआ उसको ब्रीच नहीं कर सकते हो। और लेकिन इसके डैम काफी कमजोर है। 2021 के अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये डैम जो है दुनिया का सबसे डेंजरस डैम्स में ऐसे आता है, और अगर यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत अर्थक्वेक हो जाता है तो 3.5 मिलियन, मतलब 35-40 लाख लोग की जान को यहाँ पे खतरा है। तो और कई IIT कानपुर ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी कुछ समय पहले, उन्होंने भी कहा था कि भैया डैम काफी कमजोर है। तो इस डैम को लेके केरला के बीच में और तमिलनाडु के बीच में काफी इश्यूज चलते हैं। केरला यहाँ पे नए डैम को प्रपोज कर रहा है, तमिलनाडु उसको अपोज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डैम की कोई दिक्कत है नहीं ऐसा अभी, तो ये डैम जैसा चलता है वैसा ही चलते रहना चाहिए। उस डैम के ऊपर जो वाटर की हाइट वगैरह है उसको लेकर अलग अलग इश्यूज हो चुके हैं अभी तक, बट ये इशू जो है काफी समय से यहाँ पे चल रहा है तमिलनाडु और केरला के बीच में। ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, पुराना कंटेंट है तो स्लाइड को थोड़ा आप देख लीजिए, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए छोटा सा टॉपिक है एक और हमारा, कहता है कि GEAC गिव्स इट्स नोड टू, अरे कहाँ गया, ठीक है, GEAC गिव्स इट्स नोड, नोड का मतलब होता है मंजूरी देना, अग्रीमेंट करना, ठीक है, अग्री होना, इसका मतलब नोड, नोड मतलब जैसे गर्दन हिलाते ना यस यस करके, तो गिव्स इट्स नोट फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द GM मस्टर्ड येट अगेन। हर वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, GEAC गिव्स इट्स नोट मतलब उसने हाँ कर दिया है किस चीज के लिए, GM मस्टर्ड की कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हाँ कर दिया है। येट अगेन मतलब दोबारा से, मतलब पहले भी किया जा चुका था अभी दोबारा से किया है। पूरा मामला क्या है आपको मैं बता देता हूँ।
जीईसी का दोस्तों मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, और ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। जीईएसी का काम होता है जो जीएम क्रॉप्स वगैरह के प्रपोजल्स आते हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको रिजेक्ट करना, उनके लिए बारे में रिकमेंडेशन देना। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आपको बताऊंगा आगे। तो हुआ ये कि जीईएसी ने 2017 के अंदर ही, 2017 के अंदर ही जीएम मस्टर्ड को प्रपोजल दे दिया था कि हम लोग इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसकी खेती बाड़ी कर सकते हैं। बट उस समय मिनिस्ट्री ने यह कह के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि हमें इसको स्टडी करने के लिए और टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो उस बात को हो गए हैं 5 साल। 5 साल के बाद अभी मिनिस्ट्री ने और जीएसी ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी कि आने वाले समय में हमें जीएम मस्टर्ड क्रॉप्स भी देखने को मिलने वाली है। अभी तक इंडिया में सिर्फ एक क्रॉप ऐसी है जीएम कॉटन जिसको मंजूरी दिया गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, राइट। अभी तक किसी भी फूड कैटेगरी के अंदर जीएम क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि जीएम ब्रिंजल को लेके जो है प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको अग्री नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट ये जो मंजूरी दी गई है जीएम मस्टर्ड के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में एकदम से हर जगह यही क्रॉप होने लगेगी, नहीं। देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। पहली बात तो ये जो मंजूरी दी गई है वो सिर्फ 4 साल के लिए दी गई है, ठीक है, सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद इसको आप 2 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। तो इन 6 सालों में ये देखा जाएगा कि ये जो क्रॉप होती है भैया, इसके अंदर क्या कमियां हैं, कितना समय ग्रो करने में लेती है, कितना इसका प्रोडक्शन है, क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट वहां के एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद फर्दर आगे इसको एक्सटेंड करना है नहीं करना है वो सरकार इसके बारे में सोचेगी। दूसरी बात क्या होगा, जिस जिस एरिया में इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए लगाया जाएगा वहां पे जो है एक सरकारी जो ऑफिसर होंगे, एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो उन एरियाज को विजिट करेंगे और टाइम टू टाइम जो है उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये तो हो गई बात आपके जीएम क्रॉप्स के बारे में। जीएम क्रॉप्स क्या होता है, देखिए ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स के जीन्स होते हैं, जो उनके सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, जीन्स वगैरह, डीएनए, सब पता है ना आपको, वो हमारी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। इंसानों के अंदर भी जीन्स होते हैं कि भाई आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, वो सारी इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके जीन्स के अंदर स्टोर होती है। हेरिडिटरी जो चीजें होती है आपके जीन्स के अंदर स्टोर होती है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करती हैं। इसी तरह से हमारे क्रॉप्स के अंदर भी जीन्स होते हैं जो क्रॉप्स के करेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो ग्रो होने में कितना समय लेंगी, कौन कौन सी डिसीज उनको हो सकती है, कितना पानी वो कंज्यूम करेंगी, कितना प्रोडक्शन कर सकती हैं, कौन कौन से डिसीज उनको ज्यादा हो सकते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज आपकी क्रॉप की उसकी जीन्स के अंदर स्टोर होती है। तो अगर आप किसी भी क्रॉप के जीन्स को अगर आप मतलब उसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो, अगर चेंज कर सकते हो, तो उस क्रॉप की प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स होती हैं उनके जीन्स के अंदर बाहर से फॉरेन जीन्स को ऐड कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, भैया वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती हैं, कम पानी का यूज करती हैं, वो सारी सारी चीजें उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जीन एडिटिंग, और इसी से हमारा बना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो आपके लिए अलग से मैंने कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। बीटी कॉटन का आपको मैंने बता दिया, हम लोग इसका यूज करते ही हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिए जो वो जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे बोलते हैं क्रिस्पर कैस 9। यूपीएससी 2019 में ऑलरेडी यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्रिस्पर कैस 9। इसका मतलब यह है कि भैया जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ऐसे रैंडमली टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है बट मेंस में भी आ सकता है। मेंस में जो सवाल आएगा वो कैसे आएगा, देखिए मेंस में सवाल आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएम क्रॉप्स, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स विद सम एग्जांपल्स, या फिर ऐसा बोलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट अप्रूवल ऑफ जीएम मस्टर्ड कल्टीवेशन इन इंडिया, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। इस तरह का सवाल आपसे वो मेंस में पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहां पे उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज लिस्ट कर दिए हैं,
प्यार से जाइए, इसको दो तीन बार चार बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा, उसके बाद आप इस आर्टिकल को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको जीएम क्रॉप्स के बारे में दोस्तों पता होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल अच्छा है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी मजा आएगा आपको पढ़ने में इसको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी न्यूज है, ईवी फर्म्स वे बैटरी स्वैपिंग इंपैक्ट ऑन द इनोवेशन। देखिए मामला क्या है, आपको थोड़ा बताता चलता हूं क्या है मामला। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आपने कोई बाइक खरीदा या तो कोई थ्री व्हीलर खरीदा या फोर व्हीलर खरीदा, इंडिया में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लोग ज्यादा अडोप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है कि नहीं भैया? अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तब क्या करोगे? रास्ते में आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी, आपको कोई चार्जिंग पॉइंट मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब आपको दिक्कत आएगी, तो आप उसको क्यों खरीदोगे? आप तो पेट्रोल और डीजल वाला खरीदोगे ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक और दिक्कत है, मान लो आपको चार्जिंग पॉइंट मिल भी जाता है, आपको अपनी बैटरी चार्ज करने में आधा पौना घंटा लगता है, तो इतनी देर आप वहां थोड़ी बैठे रहोगे। पेट्रोल डीजल का क्या है, 5 मिनट में डलवाओ और निकल लो। ईवी में ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया सरकार ने, वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल रहा है, नॉर्वे में, यूएसए में, ये सब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चल रहा है, हम लोगों ने उसका जुगाड़ निकाला है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पेट्रोल पंप के जैसे, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, इसी तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे बहुत सारी बैटरीज को स्टोर करेंगे और वो बैटरी ना चार्ज रहेंगी, हमेशा फुल चार्ज रहेंगी 100%। तो जैसे अपनी गाड़ी लेके आओगे, आपको अपनी गाड़ी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी की बैटरी निकालिए, यहां पे रखिए और यहां से दूसरी बैटरी निकालिए, अपनी गाड़ी में डालिए और यहां से निकल लीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। तो इससे तो बहुत काम इजी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भैया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। बट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में, बहुत लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री के अंदर चल भी रहा है। इंडिया में जब इसके बारे में प्रपोजल आया भी सरकार की तरफ से, कुछ कंपनीज ने जो है इसके इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनोवेशन। इन्होंने ये कहा कि भैया जब सारी कंट्री में बैटरी एक ही जैसी हो जाएंगी तो हम लोग क्या इनोवेट करेंगे, क्योंकि आपने तो स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपने इनोवेशन का स्कोप छोड़ा ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अभी अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह की बैटरीज बनाती हैं, तो अगर तो आप उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही जैसी बैटरी हो सकती है, एक ही पावर की, एक ही कंपनी की, एक ही केमिकल रिएक्शन वगैरह जो सब कुछ होती है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जब एक ही तरह की बैटरी हो जाएंगी तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे बहुत घटिया क्वालिटी की बैटरी भी आना शुरू हो जाए, उसकी वजह से आग भी लग सकती है भैया, फायर भी हो सकता है, सेफ्टी कंसर्न्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी को अलाउ करिए कि आप अपने तरीके से इनोवेशन करिए, बेटर बैटरी बनाइए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और उनको उनके हिसाब से काम करने दीजिए। तो ये जो सिस्टम सरकार सोच रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है और अनसेफ भी है, ऐसा उन कंपनीज के द्वारा कहा गया है। अब देखना यह रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि दोनों का पॉइंट आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड है, राइट, सरकार का भी और उनका भी। बट वही है, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्यूशन तो एक ही होता है, बीच वाला रास्ता, है ना, मिडिल पाथ। देखते हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगी सरकार या कंपनीज कॉम्प्रोमाइज करेंगी, आगे देखेंगे इसके बारे में। चलिए आज का दोस्तों हमारा जो एडिटोरियल है वो है पसमानदा मुस्लिम्स को लेके, पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा है तारिक मंसूर जी ने लिखा है, और ये वाइस चांसलर हैं भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। हालांकि ये इनका पूरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है इस आर्टिकल के अंदर, बट कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स को ज़्यादा यहाँ पे ना डालें, क्योंकि मुझे पता है अभी हमारे बहुत समय से आप एनालिसिस सुनते हो तो इतना तो शायद हम लोगों के मेच्योरिटी अंदर आ ही गई है कि किसी आर्टिकल से हम लोग पॉलिटिकल चीज़ों को कैसे दूर रख सकते हैं। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्या कहता है, मेकिंग सेंस ऑफ आउटरीच टू पसमानदा मुस्लिम्स। आउटरीच का मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो पसमानदा मुस्लिम्स तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उनके लिए स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च कर रही है, तो उसके बारे में बेसिकली ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम्स क्या होते हैं आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए कुरान के हिसाब से जो है कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जो कास्ट सिस्टम है ये पर्टिकुलरली हिंदू सोसाइटीज का फीचर है, हिंदूज का फीचर है, किसी क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, इस्लाम में, बुद्धिज्म में कास्टिज्म को ऐसा सपना तो सपोर्ट किया जाता है ना ही आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे चीजें काम करती हैं। कैसे? देखिए क्योंकि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं आप ये समझ लीजिए
मोस्टली मुस्लिम जो है हिंदूज कन्वर्टेड हैं, और अगर कोई हिंदू कन्वर्टेड नहीं भी हैं, इतने सालों से हिंदू सोसाइटीज के कॉन्टैक्ट में रहने के बाद उनके अंदर भी जो है कास्ट सिस्टम एक तरह से ग्राउंड के ऊपर डेवलप हो गया है, हालांकि लिटरेचर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इंडिया के मुस्लिम्स की लिव्ड रियलिटी है। एक रियलिटी होती है, वो होती है बुकिश रियलिटी, जिसके अंदर सब कुछ सब कोई बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक होती है एक्चुअल रियलिटी ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर जो है सिखिज्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम्स में भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। इसीलिए तो जो है एससी रिजर्वेशन की डिमांड भी की जा रही है ना बहुत सारे सेक्टर्स के द्वारा। ये तो हो गई आपको पता ही इस बारे में, इस बात का। मुस्लिम कम्युनिटी को जो है तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं अशरफ, जिसे एलीट क्लास कह लेते हैं। दूसरे होते हैं अजलफ, जिन्हें बैकवर्ड क्लास कहते हैं। एक होते हैं अर्जल्स, मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास। आप ये समझ लीजिए, जैसे जो अशरफ होता है वो जनरल कैटेगरी है एक तरह से, जो अजलफ है वो ओबीसी कैटेगरी है, और जो अर्जफ है वो है जो है एससी और एसटी के बराबर का, आप समझ लीजिए। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जहां तक पॉपुलेशन की बात है, मतलब ऐसा कोई सेंसस तो हुआ नहीं है, बट अंदाजा लगाया जाता है कि अशरफ जो है एलीट वो सिर्फ 15-20% ही हैं। उसके अलावा बाकी जो 80-85% है वो मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स हैं, गरीब मुस्लिम्स हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, अजलफ हैं और अर्जफ हैं। ठीक है, जैसे हिंदूज के अंदर होता है कि जो जैसे बारबर्स, वीवर्स, पोटर्स, फकीर, बीड़ी वर्कर्स, ये सब आपका जो है बैकवर्ड कास्ट के अंदर आता है। ऐसा ही इस्लाम के अंदर भी, इस मुस्लिम्स में भी, इंडियन मुस्लिम्स का फीचर है बेसिकली। ठीक है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है पसमानदा मुस्लिम्स। पसमानदा मुस्लिम, देखिए इनका कहना है कि सर का कहना है कि तारिक जी का कहना है कि पसमानदा ऐसा कोई कास्ट नहीं है, ये क्लास है और ये बैकवर्ड क्लास है, सब्जुगेटेड क्लास है, क्योंकि इनकी जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सब लो अर्निंग जॉब्स होती हैं, लो वेज जॉब्स होती हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन भी इनको झेलना पड़ता है अपनी सोसाइटी के अंदर। ये जो है तारिक जी का, यहाँ पे मंसूर जी का कहना है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? अभी सरकार देखिए, मोदी जी ने भी अभी यूपी के अंदर गए, और सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि योगी जी भी जो है वो भी पसमानदा मुस्लिम्स को लगातार अपील कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मोदी जी ने भी कहा था कि पसमानदा मुस्लिम्स को जो है मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आने की रिक्वायरमेंट है, उनको अपलिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा आर्टिकल है। अभी तक इंडिया में क्या चल रहा था, मोस्टली जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो पसमानदा मुस्लिम्स को, यानी कि जो बैकवर्ड और मार्जिनलाइज जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। वो पार्टीज क्या कर रही थी, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रही थी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक जो इस्लाम के अंदर, जो इंडिया में सॉरी मुस्लिम्स के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। इसका फायदा किसको होता था? इसका फायदा होता था अशरफ को। ठीक है, अजलफ को इसका बेनिफिट नहीं होता था, यानी कि सिर्फ इलीट क्लास को बेनिफिट हो रहा था। क्योंकि भाई होता क्या था, जब कोई पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या कुछ भी होता है तो लीड कौन करता है? अशरफ लीड करते हैं। ठीक है, ये हमेशा किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं पर्सनल लॉ के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। अरे पसमानदा मुस्लिम्स के ब्रेड और बटर की कोई बात ही नहीं कर रहा यार। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल मुद्दा उठाते हैं। आप वो उस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भैया इस्लाम के अंदर एक ऐसे सेक्टर भी बिलोंग करता है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी तरफ फोकस नहीं किया जाता है। तो इससे अशरफ को बेनिफिट होता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हर जगह चलती है। तो ये लोग भी वोट बैंक की राजनीति के लिए असली मुद्दों से हटके जो है उन मुद्दों के ऊपर फोकस करते हैं जो ब्रॉड होते हैं, जैसे बुरका इशू, हिजाब इशू, बाबरी मस्जिद इशू, पर्सनल लॉ है ना, वो सब करके। तो ऐसा मंसूर जी का मानना है। अब ये इनका पर्सनल व्यू है, आप इसे अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो। ठीक है, सरकार यहाँ पे कुछ स्कीम लेके आई है। अभी मोदी जी ने तो ऑफकोर्स कहा ही है कि भैया कंट्री को एक साथ आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आने वाले कुछ सालों में और जुड़ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें। और सरकार ने कई सारे स्टेप जैसे यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और सारी बहुत सारी स्कीम सरकार जो चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें किसी भी रिलीजन के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। तो सबको बेसिकली ऊपर अपलिफ्ट करने की बात यहाँ पे चल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई चीज़ें यहाँ पे है नहीं। तो इनका यह कहना है कि भाई एक तरह से जो है मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको भी ऊपर आना चाहिए, जो एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज हैं उनको
एक्सेप्ट करना चाहिए और पसमानदा मुस्लिम्स के बारे में बात करना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें सर सैयद अहमद खान जी ने, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था, उनके बारे में है, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी को समझा और एक नई मूवमेंट को चलाया, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा आर्टिकल, बताता चलूं बाद में फिर से कि ये इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन जब हम लोग किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, इंडिया के एज अ सिटीजन्स की बात करते हैं, तो हमें ऑफ कोर्स जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, उनको अपलिफ्ट करने की बात करनी चाहिए, राइट, धर्म से ऊपर उठ के और अपनी नॉर्मल जो पर्सनल चीज़ें हैं, बायसेस हैं, प्रेजुडिस हैं, उनसे ऊपर उठ के। ठीक है जी, दो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने लास्ट टाइम जब किया था, डीएनए किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे। तो जो इशाद मैंगो है दोस्तों, वो कर्नाटका से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये एक सल्फर फर्टिलाइजर को लेके क्वेश्चन था, तो इसमें दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, बोथ वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। सल्फर फर्टिलाइजेशन हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली इन इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। हाई कंटेंट ऑफ सल्फर इन सोइल कॉजेज सोइल एसिडिफिकेशन, यस, उससे सोइल एसिडिफाई हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, तमिलनाडु के अंदर अभी एक ब्लास्ट हुआ था गाड़ी के अंदर, और उस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए तमिलनाडु ने NIA को रिक्वेस्ट किया है कि वो उसकी कार्रवाई करें। तो NIA के बारे में आपको पता होना चाहिए, GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटीज में पूछा जाता है सवाल, तो NIA के बारे में आपको जो है थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए ऐड कर दिया है ब्राउनी पॉइंट्स में, तो आप इसको जाके जो है थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल और हैं, मन करे तो पढ़ लेना। ये एक आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, बहुत दमदार मुझे लगा नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका एडिशनल आर्टिकल में डाल दिया है। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं तो मैं आपका एक्सप्लेन भी कर सकता था, बट एनीवेज तो थोड़ा आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे है नहीं, तो आज के एनालिसिस को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि कौन कौन से बच्चे हैं, और जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, एन्जॉय करें, फेस्टिवल्स मनाएं, UPSC की तैयारी करें, सक्सेसफुल हों, अपना नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, थोड़ा सा नाम हमारा भी रोशन हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ खत्म करते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।